हाथरस केस में फिर पुलिस की लापरवाही आई सामने। जेल में बंद एक आरोपी निकला नाबालिग। आरोपी के घर से सीबीआई को मिली मार्कशीट। सस्पेंड पुलिसकर्मियों से भी सीबीआई ने की पूछताछ। ललितपुर में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने महिलाओं को दी नसीहत। कहा, महिलाएं अपने साथ रखे चाकू, जरूरत पड़ने पर सीधा मार दे। शक्ति मिशन कार्यक्रम में बोल रहे थे मंत्री। बिकरू कांड के शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार होंगे सम्मानित। बिकरू में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलेगा सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित। बिकरू कांड में शामिल दरोगा केके शर्मा की जमानत याचिका खारिज। स्पेशल कोर्ट ने खारिज की केके शर्मा की तीसरी जमानत। बिकरू कांड के वक्त चौबेपुर थाने में तैनात थे दरोगा केके सिंह। आज लखनऊ में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। सीएम योगी करेंगे अस्पताल का उद्घाटन। कैंसर अस्पताल की ओपीडी का करेंगे लोकार्पण। 13 तैयार वार्ड का शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज से भरेंगे बिहार में चुनावी हुंकार। 3 अलग अलग जिलों में कार्यक्रम। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जुटाएंगे वोट। दिल्ली में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से कर सकते हैं मुलाकात। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा भी रहेंगे साथ। सीबीआई के छापे पर सामने आया विनय तिवारी का बयान। कार्रवाई को लेकर फेसबुक पर विनय शंकर तिवारी ने किया पोस्ट। कहा, सीबीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। बलिया गोलीकांड पर बोले बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त। सामाजिक और राजनीतिक लोगों से स्थिति सामान्य करने की गुजारिश। कहा, दोनों तरफ से लोग हुए हैं घायल। आरोपी पक्ष का भी दर्ज हो केस। गायत्री प्रजापति केजीएमयू से डिस्चार्ज। गायत्री प्रजापति को फिर भेजा जाएगा जेल। केजीएमयू का बयान, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इलाज के लिए भर्ती थी गायत्री प्रजापति। फतेहपुर में 24 साल पहले हुई गोलीकांड पर आया फैसला। कोर्ट ने 15 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 20 रुपए की वसूली को लेकर 3 लोगों की गई थी जान। ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक हुआ खुफिया विभाग का ऑफिस। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा एलआईयू का हेड कांस्टेबल। नियमों के खिलाफ जाकर हेड कांस्टेबल ने खोला पर्सनल दफ्तर। गाजियाबाद में आवारा कुत्ते ने बच्ची पर किया हमला। हमले का सीसीटीवी आया सामने। इंद्रापुरम की पॉश कॉलोनी का है पूरा मामला। ऋषिकेश में आजादी के 72 साल बाद भी नहीं पहुंची सड़क। गांव में सड़क पहुंचने से लोगों में हुई खुशी। लोगों ने सालों तक सड़क के लिए किया था प्रदर्शन। कोरोना के मामले 76 लाख के करीब। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 46,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में 587 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 336 नए संक्रमित केस आए सामने। मरीजों की संख्या 58,000 के पार। तो वहीं कोरोना से अब तक 933 लोगों की हुई मौत। कमलनाथ के बाद अब शिवराज के मंत्री की भी बिगड़ी जुबान। कांग्रेस नेता की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की। शिवराज सिंह कैबिनेट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं बिसाहूलाल सिंह। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। गोलीबारी में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की थी आशंका। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी चाइनीज ऐप टिकटॉक से बैन हटाया। 10 दिन पहले लगाया था बैन। कंपनी की तरफ से अनैतिक सामग्री को नियंत्रित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। देश भर में सभी स्कूल एक बार फिर खोलने की तैयारी जोरों पर। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी 2 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। आज से 30 नवंबर के बीच 392 पर विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को लेकर रेलवे का ये बड़ा फैसला। रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। आज से पटरी पर लौटेगी
शताब्दी कानपुर से दिल्ली और काठगोदाम तक भी कर सकेंगे शताब्दी से सफर। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली गिरावट पर खुला। सेंसेक्स 65.65 अंक नीचे 40,365 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी की शुरुआत 12 अंक नीचे 11,861 स्तर पर। आईपीएल के 13वें सीजन का 38वां मैच आज किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल के 37वें मुकाबले में हारी चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से दी मात। जोस बटलर चुने गए मैन ऑफ द मैच।